डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। वह जैसा कि आप जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को तीन कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा था। पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया और तीसरा धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब उसमें से हम लोगों ने जो पढ़ा था, प्रतिस्थापन के अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ा था कि एमिनो के साथ क्या होता है, एल्कोक्साइड के साथ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आइए आगे सीखते हैं। जिसके ये भी एक प्रतिस्थापन में ही है, लेकिन हम लोग अलग से टॉपिक देकर सीखेंगे और ये इंपोर्टेंट भी है। तो लिखा जाए, नाभिक स्नेही, एक ही साथ लिखिएगा, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रिया विधि। नाभिकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। की क्रिया विधि, ठीक है। इस बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक एवी टाइप से है जिसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही को अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल, जरा अच्छे से समझिएगा, इसका क्रिया विधि ये बतलाता है कि अगर कोई एल्किल हैलाइड रहे, जिसको आरएक्स बोल रहे हैं, हेलो एल्केन बोल सकते हैं, इसको अगर किसी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का एनयू माइनस से सूचित किया जाता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एनयू रहे तो इसका जो है प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे एक्स की जगह पे हटके ये एनयू आता है। जैसे मान लिया आर के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और एक्स जो है बाहर हो जाता है। देखिए अच्छे से समझिएगा, कोई ये क्रिया विधि है, हम ये बोल सकते हैं कि ये रूल्स है। तो नाभिक स्नेही किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, एनयू को बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर कोई हेलो एल्केन, यानी कि आर का मतलब तो जान ही रहे हैं, कार्बन का चेन, उसके साथ अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा रह गया और फिर अगर नाभिकीय स्नेही, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया गया, तो आर के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और एक बाहर हो जाता है। इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि छोड़ने वाला समूह, इसको क्या बोलते हैं, छोड़ने वाला समूह, ये लिविंग ग्रुप है। और हम लोगों का जो यहां मिलता है ये प्रोफाइल बन जाता है। तो कुल मिलाकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वैसी अभिक्रिया है जो किसी भी हेलो एल्केन को, मतलब कि आर एक्स को, आर का मतलब कार्बन का चेन, एक्स का मतलब हेलोजन, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाए। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, जिसका ऊपर आयन माइनस रहता है, जैसे OH माइनस, ठीक है, H2 माइनस,
तो जिसके ऊपर अगर ओ माइनस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैकर आएंगे तो वो प्रतिस्थापित हो जाता है। जरा इसका एग्जांपल कर लेते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट अगर मान लिया कि आर के साथ हैलोजन के रूप में बीआर रहे, ब्रोमीन रहे, आर का मतलब कितना भी कार्बन का चेन, और न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस रखा जाए, OH माइनस, तो क्या बनेगा यहां पे? R के साथ OH जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप बन जाता है X, यानी कि Br माइनस। ये अलग हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और Br माइनस का मतलब किसी एक हाइड्रोजन के साथ आएगा तो Br माइनस भी लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बन सकता है। जैसे मान लिया कि आर बीआर, आर का मतलब कितना भी कार्बन का चेन, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां तो प्रतिस्थापन होता है ना, इसीलिए तो याद रखना पड़ेगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर कोई भी माइनस वाला अगर कोई कंपाउंड रहता है वो भी प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे R के जगह Br और OH आपस में अदला बदली हो जाते हैं, OH हो गया तो यहाँ पे Br माइनस, या फिर जैसे कि X माइनस है यहाँ पे HX भी हो सकता है, यहाँ पे HBr भी हो सकता है, तो ये भी लिख सकता है। दूसरा नंबर में हम लोग एक और एग्जांपल करें तो R के जगह पे न्यूक्लियोफाइल के जगह पे हम लोग कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखते हैं कि इस बार हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस बार हम लोग अगर ऐसे यूज करने वाले हैं जैसे R के जगह पे CH3CH2, यहां पे हम लोग Cl यूज कर लिया, ठीक है। ये देखिए R हो गया, R का मतलब कार्बन का चेन, और यहां पे हम यूज कर लिए फिलहाल न्यूक्लियोफाइल के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में SO2-, SO2 माइनस। चलिए तो अब यहां से क्या बनेगा, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कैसे समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल है, तो जिसके ऊपर माइनस आयन रहता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही कहलाता है। तो ये पता चल जाएगा कि नाभिक स्नेही है देखकर, और नाभिक स्नेही का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, प्रतिस्थापन होता है, मतलब कि अदला बदली हो जाएगा। तो R CH3 है, CH2 है, लिख दिया यहां पे, उसके साथ क्लोरीन और SO2 न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज होगा तो यहां पे बन जाएगा SO2 और Cl बार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप, यानी कि छोड़ने वाला समूह। तो ये रूल्स हुआ और उसका एग्जांपल हुआ। अब लिखेंगे उसके बारे में, मतलब कि ये एग्जाम्पल करने के बाद नीचे एरो देंगे, लिखा जाए, नीचे एरो देकर लिखेंगे इस तरह की अभिक्रिया प्रायः, इसमें इस एरो में देकर लिखेंगे इस तरह की अभिक्रिया प्रायः दो चरणों में पूरी होती है। इस तरह की अभिक्रिया प्रायः दो चरणों में पूरी होती है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि इस तरह की जो अभिक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है, तो दो चरणों में पूरी होती है। अब वो दो चरण कौन कौन सा है, तो जरा इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला में लिखेंगे, पहला जो चरण है वो SN1 अभिक्रिया है, S कैपिटल N कैपिटल पावर में वन देंगे, SN1 पढ़ते हैं इसको, और उसके बगल में अभिक्रिया। फिर दूसरा नाम लिखेंगे SN2 पावर में देंगे टू, तो इसको पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। और दोस्तों ये इतना VVI है कि हर बार लगभग पूछता है कि SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो दोनों ही पॉइंट्स जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानिएगा तो बहुत इंटरेस्टेड है कि आखिर SN1 और SN2 अभिक्रिया कहां से आया। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो चीजें आ रही है ना, ये कहां से आ रही है, तो नाभिक स्नेही से आ रही है। और नाभिक स्नेही क्या होता है, तो नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वाला से SN1 और SN2 आता है। तो ये जो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होंगे ना, वो दो चरणों में पूरी होती है, एक का नाम है SN1 और दो का नाम है SN2 अभिक्रिया। अब आइए हम लोग टॉपिक वाइज सीखते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है। तो यहां पे लिखा जाए टॉपिक्स, SN1 अभिक्रिया, जैसा कि जानते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी VVI कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं कि SN1 क्या है, इसका मतलब क्या है। लिखा जाए फर्स्ट एरो में, SN1 अभिक्रिया दो पदों में होता है, SN1 अभिक्रिया दो पदों में होता है। अब SN1 का सेकेंड एरो देखकर लिखेंगे, सेकेंड एरो, SN1 का सेकेंड एरो देखेंगे, लिखेंगे पहले पद में कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है, कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। अतः यह मंद अभिक्रिया है, अतः यह मंद अभिक्रिया है। अब SN1 का थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिखा जाए SN1 का थर्ड पॉइंट, दूसरे पद में R प्लस पर ये बताते हैं क्या है R प्लस पर न्यूक्लियोफाइल NU-, इसको पढ़ेंगे R प्लस, इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल, R प्लस पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU- का आक्रमण होता है तथा RNU का निर्माण होता है और यह तीव्र अभिक्रिया है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जो है SN1 अभिक्रिया के बारे में बताइए। अक्सर पूछा जाता है कि SN1 अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप चीजों को अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये रिलेटेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि SN1 अभिक्रिया क्या होता है। तो SN1 अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, इसमें पहला बात तो ये लिखेंगे, यह दो पदों में होता है, ये जो अभिक्रिया होती है वो कितने पदों में होती है, दो पद में, एक पहली बार यानी कि SN1 रिएक्शन तभी कंप्लीट हो जाएगा जब एगो फर्स्ट बार रिएक्शन होगा
और एक वो सेकेंड बार रिएक्शन होगा। जब दो बार फुली रिएक्शन हो जाएगा तब आपका SN1 एक कंप्लीट अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि SN1 अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो दो टर्म्स में, दो पदों में अभिक्रिया होता है। अगर दोनों अभिक्रिया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर दोनों अभिक्रिया होंगी तभी हम उसको बोलेंगे क्या, तब हम उसको बोलेंगे कि ये SN1 अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इसमें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखे कि दो पदों में होता है, ठीक है, और फिर तीसरी बात ये कि जो दो पदों में होता है ये जरूरी है, जरूरी, लेकिन पहले पद में क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले पद में जो रिएक्शन होता है ना वो विखंडन होता है, विखंडन, और विखंडन का मतलब क्या जानते हैं, टूटना, अलग अलग होना। ठीक है, तो पहला जो टाइप्स में होता है, पहला पद का बात करें तो पहले पद में विखंडन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, यानी कि आर एक्स का, हेलो एल्केन का, बेंजीन का, जो भी है उसका टूटता है, और टूटने के बाद प्लस माइनस का निर्माण होता है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन बन जाता है, और फिर जो धन आयन बनता है जिसको हम लोग आर प्लस बोले हैं उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है। जरा इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे SN1 अभिक्रिया हो पाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें उसके नीचे लिखेंगे, जैसे SN1 अभिक्रिया के एरो दे दिए हैं, लिख लिए हैं, अब उसके नीचे ही हम लोग समझेंगे कि प्रथम पद में क्या होता है। तो प्रथम पद का रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लिया R है, X है, ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका विखंडन हो जाएगा। इसका विखंडन का मतलब R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा पहला पद में, यानी अभी तो हम लोग पढ़े ना भाई कि SN1 अभिक्रिया क्या है, तो दो पद में अभिक्रिया होता है, प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद में क्या होता है तो उसमें विखंडन होता है, टूटता है, तो आर एक्स अगर रहेगा तो ये टूट जाएगा आर प्लस में और एक्स माइनस में, और आपको जानना चाहिए ये बिल्कुल ही मंद अभिक्रिया है। मंद का मतलब बहुत स्लो काम होता है, यानी कि जो प्रथम अभिक्रिया है प्रथम पद में जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अब दूसरा पद का बात कर लेते हैं, दूसरा पद, ये प्रथम पद है, दूसरा पद में SN1 कैसे काम करता है, तो जो यहां से आपको टूटने के बाद जो प्लस मिला उस पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, यानी कि यहां पे अभी हमें क्या मिल रहा है, आर प्लस, अब इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, आक्रमण कराएंगे, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे मतलब क्या कि रिएक्शन करा रहे हैं ना, ये जो R प्लस है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो यहां पे क्या बन रहा है, आर एन यू, और यही है हम लोगों का टोटल SN1 अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, अगर कोई बोलेगा कि SN1 अभिक्रिया क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में होता है, प्रथम पद में किसका विखंडन होता है, हम लोग लिखे हैं, जरा देख लेते हैं, प्रथम पद में कार्बनिक यौगिक यानी कि RX का विखंडन हो जाता है और ये मंद अभिक्रिया है, और यहां से जो प्लस माइनस में टूटा उसी प्लस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक, कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेहिका का आक्रमण कराया जाता है, आक्रमण का मतलब उसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या पहचान है भाई, नाभिक स्नेही किसको कहेंगे, तो जिसके ऊपर माइनस आयन होता है, तो इसका इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो R और NU दोनों मिल जाएगा और ये पूरा कंप्लीट अभिक्रिया हो जाएगा जिसका नाम है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग SN1 अभिक्रिया को पढ़े, अब टॉपिक दिया जाए SN2 अभिक्रिया,
या फिर ये तो या फिर करते हैं ऐसा, ये तो इस तरह अभिक्रिया हो गया। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम लोग SN2 को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे कुछ इस तरीके का। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा कि SN1 का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है ना, कोई कार्बनिक यौगिक है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, तो ये दो तरह का अभिक्रिया है। देखिए दोनों अभिक्रिया को मिला दिया जाए तब ये पूरा अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया का तो मतलब ही समझिए कि दो दो पद में होता है। अब पहला पद में क्या होता है, तो हमेशा विखंडन होता है। विखंडन का मतलब टूटता है, तो ये प्लस और माइनस में टूटेगा, तो C2H5 प्लस है और Cl माइनस में टूट जाएगा। और ये अभिक्रिया कैसा होता है, तो मंद अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया मंद होता है। फिर अगर बात करें तो अब यहां पे तो प्लस पर ना अटैक करेगा, प्लस पर ना आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिकस नहीं, तो यहां पे OH माइनस एक नाभिकस नहीं है क्योंकि माइनस देख लिए, तो ये क्या पता चल गया कि ये नाभिकस नहीं है। अब ये जैसे ही अटैक किया किस पे, C2H5 प्लस पे, क्योंकि हमेशा R प्लस पे ही अटैक करता है। तो R प्लस पे अटैक किया कौन, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन गया C2H5OH, यानी कि ये दोनों जुड़ जाता है और ये बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं SN1 अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ चुका है। SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर लिखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं SN2 अभिक्रिया को पढ़ते हैं कि SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है। तो लिखा जाए, अब टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल यानी कि NU माइनस, इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल NU माइनस एल्कील मूलक के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है पूर्णविराम, यह मध्यवर्ती यौगिक शीघ्र ही प्रतिफल के रूप में RNU और X माइनस बनाता है चलिए तो हम लोग यहां पे ये सीखेंगे कि आखिर SN2 अभिक्रिया क्या होता है। तो जरा SN2 अभिक्रिया को सीखिएगा। सबसे पहला तो अंतर यहां ये हो गया SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया में कि SN1 अभिक्रिया क्या है, तो वो दो पदों में अभिक्रिया होता है, प्रथम पद और दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद।
लेकिन अगर बात कहा जाए कि SN2 अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जैसे मान लिया इसका रूल या मैकेनिज्म क्या बोलता है, इसका जो रूल बोल रहा है कि अगर मान लिया कोई RX कंपाउंड है, यौगिक है, अब इसमें कार्बन कौन हुआ, तो R को ना कार्बन बोलते हैं, ढेर सारा कार्बन, तो इसी कार्बन पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी कि इस R पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण किया, तो आक्रमण किया तो इसमें डायरेक्ट प्रतिफल नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आक्रमण किया तो यहां पे एक मध्यवर्ती यौगिक बन गया, यानी कि R एन यू डॉट डॉट एक्स, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि वो मध्यवर्ती यौगिक को दिखा रहा है, मध्यवर्ती यौगिक, और फिर लास्ट में प्रतिफल बनता है आर एन यू और एक्स माइनस, यानी कि एसएन टू अभिक्रिया एक ही पद में हो जाता है, हालांकि इसमें मध्यवर्ती यौगिक बनता है, वहां पे मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता है, ठीक है। और बात यहां यह है कि दोनों में तो सेम प्रतिफल बन रहा है, लेकिन बनने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है, SN1 में अलग तरीका है, SN2 में अलग तरीका है, और ध्यान दिया जाए कि इसमें जो है ये मंद है, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक बनने में ये ज्यादा देर टाइम लगा देता है, लेकिन जब मध्यवर्ती यौगिक बन गया तो प्रतिफल बनने में ये शीघ्र का मतलब जल्दी बन जाता है, तीव्र गति से बनता है। अब जरा इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी सब सेम चीज वही, यहां पे हम ले लेते हैं C2H5Cl, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है Cl। अब जब हम लोग SN2 अभिक्रिया को समझ रहे हैं तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिसका आयन माइनस में होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, किस पर अटैक करेगा, कार्बन वाले पे, C2H5 पर, तो इस पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिए, OH- का अटैक हो गया, इस पर आक्रमण किया, तो इस पे आक्रमण कर गया तो क्या बन रहा है, C2H5 यानी कि R, फिर मध्यवर्ती यौगिक बना दिया OH, फिर मध्यवर्ती यौगिक बना दिया Cl, यानी इस ये विखंडन, अभी हम लोग बोले ना विखंडन, तो भी एक तरीके का विखंडन है, हालांकि इसको इस पर विखंडन प्लस माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे टूटना इसका भी मतलब होता है, लेकिन मध्यवर्ती का मतलब कि ये डॉट 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 से जुड़ा हुआ है। अब ये अगला स्टेप में तुरंत प्रतिफल कैसा बनाएगा, C2H5 के साथ OH जुड़ जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था उसके साथ जुड़ेगा, और यहां पे X के रूप में Cl है तो Cl- बाहर हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो SN1 और SN2 में यही एक अंतर है कि SN1 जो है दो पद में होता है, SN2 एक ही पद में होता है। SN1 में कोई मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनाता, जबकि SN2 में मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, और दोनों में देख रहेंगे दोनों में जो प्रतिफल है लास्ट में सेम ही बन रहा होता है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग सीखते हैं एल्किल हैलाइड का त्रिविम बाधा, एल्किल हैलाइड का त्रिविम बाधा। टॉपिक बनाएंगे एल्किल हैलाइड का त्रिविम बाधा। अब एल्किल हैलाइड का त्रिविम बाधा क्या है, जरा उस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया कि एक कोई कार्बन है, तीन सिचुएशन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए हम लोग तो 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन पढ़े हैं, बस उसी से रिलेटेड है, तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग चीजों को सीखते हैं। जिसे मान लिया कि एक कार्बन है,
यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां वाले हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा डॉट से सूचित करते हैं। देखिए एक तरफ एक्स जुड़ा हुआ है क्योंकि एल्किल हैलाइड है, तो हैलाइड कब होगा, जब किसी भी कार्बन को हैलोजन के साथ जोड़ेंगे, और यहां पे एच है, इसको डॉट से सूचित किया जा रहा है, मतलब कि ये वाई एच में है, और एक हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है, यानी अलग अलग को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि इसका मतलब भी यही हुआ कि बॉन्ड ही है, कार्बन के साथ जैसे भी हम लोग बनाते ना मीथेन है, यहां से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 ये मीथेन बनता है, वैसे ही तरीके से ये भी एक बॉन्ड ही समझना है। लेकिन इसको हम लोग ऐसा इसलिए बनाए हैं ताकि ये पता चल सके कि हम लोगों का जो ये जुड़ने का तरीका है वो अलग अलग अक्ष में है, त्रिविम में है। जैसे कि मान लिया, अगर आप जानते हैं ना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष भी होता है, एक जेड अक्ष है, तीन अक्ष है यहाँ पे, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं अलग अलग बॉन्ड से, ठीक है, तो उसका मतलब कुछ दूसरा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अच्छा एक और हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, कार्बन और यहां पे भी हो गया कार्बन, यहां पे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पे फिर हो गया ऐसे हाइड्रोजन और यहां पे भी हो गया एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पे तो हमेशा एक्स जुड़ रहा है, सॉरी एक्स जुड़ रहा है क्योंकि हैलाइड है। तीसरा सिचुएशन ऐसा बनाते हैं कि एक कार्बन है और यहां पे देख पा रहे होंगे, सॉरी सॉरी एक यहां पे हम लोगों का गलत हो रहा है, यहां पे सी एच एच एच, ठीक है, यहां पे है सिर्फ ऐसा, यहां पे बाई मिस्टेक हो गया, यहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, यहां पे सी है एच 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 और यहां पे सी है एच एच एच, यहां तो एक्स जुड़ रहा है सी एच एच एच, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग इसलिए ऐसा जोड़ रहे, देखिए एक कार्बन के साथ एक तो हैलोजन जुड़ना जरूरी है, हैलोजन जुड़ना जरूरी है, अब ये जो कार्बन है इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, जबकि ये वाला कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ रहा है, एक ऊपर वाला कार्बन एक नीचे वाला कार्बन, ये जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है एक्स, वो अब की बार तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये अलग अलग जैसा कि हम बताए बॉन्ड है वो दिखाने के लिए कि अलग अलग अक्ष में है, तो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो जब एक एक कार्बन, तो ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन हो रहा, तो 1 डिग्री कार्बन का ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ। अगर मान लिया ये हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, अगर इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तब हम इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, अगर यहां पे अगर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन पे अटैक। अब क्यों बोल रहे हैं 2 डिग्री, क्योंकि एक ही जो कार्बन है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पे आप बैठ के देखिए तो एक कार्बन यहां नजर आ रहा है, एक कार्बन यहां नजर आ रहा है, तो ये जो कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री कार्बन, यहां पे न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन, दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन का ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, तो एक तरीके का ये एल्किल हैलाइड का त्रिविम बाधा था। तो इसको बस स्ट्रक्चर संरचना बना लीजिएगा, इसमें कुछ स्पेशल लिखना नहीं है, इसका बस डायग्राम से हम लोग समझ जाएंगे।
तो आज तक के हम लोग इतना पढ़े। आज के क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज SN1 और SN2 रहा। फिर अगले क्लास में और चीजों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।